कामयाबी होगी कि आपने मुझे साथ अपना डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है ना वो अच्छा कर लिया। बहाल कर लूं। जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ठीक है, वो डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करनी चाहिए। डॉक्टर जो है वो आपका दुश्मन नहीं है, डॉक्टर वो आपका दोस्त है, डॉक्टर आपका वेल विशर है। वो आपको जरूर बताएगा कि ये दवाई दो गोलियां खा सकते हो, एक नहीं खा सकते, बिल्कुल या सही। 2 दिन खानी है, या 1 दिन खानी है, या 3 दिन खानी है। जी, उसके बगैर आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, फर्ज करो जाहिर सी उसने बात है, इस तरह पैनाडोल तो। हाँ जी, खा ली और बस ठीक हो गई तो फिर छोड़ दी। ये इस तरह से नहीं होता। जी, दवाई का एक पूरा साइकिल होता है। जब वो साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो फिर दवाई वो नुकसान देने लग जाती है। जैसे बिल्कुल मैं ठीक। आपको छोटी सी बता देता हूँ, जी जैसे जी निकोटीन है, हाँ जी निकोटीन है, ये चाय या सिगरेट, ये है, हाँ जी ये निकोटीन स्मॉल अमाउंट्स में ये है मैदे को अच्छा करती है, जी लार्ज अमाउंट में ये भूख को खत्म कर देती है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही है। मतलब वो तबाही कर देगी पकड़ के सारा निजाम। अब वही चीज है, वो थोड़ी अमाउंट में आपको स्टिमुलेट कर रही है और हाँ जी ज्यादा अमाउंट में आपको प्रेस कर रही, सप्रेस कर रही है। जी, बिल्कुल सही है। डॉक्टर को जरूर शामिल करना चाहिए। जैसे वो अभी इसमें मैं वो बताऊंगा कि अगर कोई एक तावीज है जी, वो आप दें किसी को और एक पीर साहब दें, तो कौन सा हाँ, किसका पीर तावीज चलेगा? साहब का थोड़ा स्ट्रोंग होगा, ऑब्वियस बात है। बिल्कुल इसके पीछे ताकत भी है ना उनकी, ऐसी है, बिल्कुल। साइकोलॉजिकल। उनका एक वो चेन ऑफ कमांड और सारी उनकी चीजें चल रही थी। तो वो उसको उससे भी बड़ी हेल्प मिलेगी। जी, ऐसी आपने है। खुद गोली खाई है या डॉक्टर ने बताई है, वो डॉक्टर वो पीर है जिसकी रूहानी ताकत। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया, एंड डू यू मुझे ये। थिंक कि ये डॉक्टर का रोल नहीं है, इसमें जी जी डॉक्टर का बड़ा रोल है, साइकोलॉजिकल जी जी बिल्कुल ऐसी, भी समझना है। तो बिल्कुल डॉक्टर ठीक है। कहेगा वही दवाई अच्छी हो जाएगी, रेगुलराइज हो जाएगी, वही कहेगा, नहीं कहेगा तो वो नहीं आएगी। नहीं होएगी, सही है, बिल्कुल ठीक है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ आने वाली बात है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। साइकोलॉजिकल बल्कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी, ठीक है। ये तो मुझे सवाल समझ में आ गया कि बेसिकली अगर आपने कोई भी मेडिसिन लेनी है, चाहे वो बेसिक से बेसिक है या जैसी भी, तो डॉक्टर साहब से पूछ के ही लेनी चाहिए। ठीक हो गया। ये आपने सबको बताना है, आपके पास मीडियम है, आप इस तरह बता सकते हैं सब लोगों को। जी, बिल्कुल आप उस मीडियम को इस्तेमाल करें और उसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी गाइड करें कि जी, दवाई हमेशा डॉक्टर से पूछ के लेनी है, हाँ जी, और उसके लिए फिर डॉक्टर से ताल्लुकात भी अच्छे रखने पड़ेंगे, तो वो जाहिर तो सी फिर बात है, एक मुआशरे में अच्छी फिजा बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब। ठीक, अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी अभी रिसेंटली बात हो रही थी शुगर, चीनी से, मीठे से रिलेटेड, और इस तरह। तो जी, लाइक चीनी के बारे में अक्सर हम लोग सुनते भी हैं, लाइक खाता तो पीता मैं भी वो हूँ आप लगते हैं स्पेशली। बहुत सस्ते हैं जिंदगी के मामले में। तो बेसिकली चीनी का इस्तेमाल कैसा है हमारी लाइफ के अंदर, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितनी कर सकते हैं, लाइक क्या होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ, मतलब ये कि ये एक बेसिक क्वेश्चन है और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, कि जी, चीनी किस लोग यंग एज ग्रुप में, आप जैसे जो है वो कहते हैं कि हमें क्या होना है जी, हमें तो यंग है जी, हमें हाँ चीनी क्या जी कहती है, जी जी ये तो बूढ़े लोग हैं वो, उनके लिए जो है चीनी की रुकावट मसला है या होनी जो भी। चाहिए। जी 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 चीनी हर एज के लिए नुकसानदेह है, उफ, ठीक और है। वो जी जो कहते हैं ना हम 3 तरह की जहरे हैं, जी सफेद जहरे, उफ, वो कौन कौन सी हैं?